तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक के नियम। तो जैसे घातांक के नियम में ए बराबर एम होता है, तो ये एम हो गया घात यानी पावर या डिग्री। इसको पावर भी बोल सकते हैं या डिग्री भी बोल सकते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं घात। और इसके जो ये होता है नीचे में जो होता है जिसमें वो पावर चला हुआ रहता है, मतलब जिसके इसमें रहता है, इसको बोलते हैं आधार। तो हिंदी में आधार बोलते हैं और इंग्लिश में बेस बोलते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी संख्या रख सकते हैं, ए के जगह हम नौ रख सकते हैं, यहाँ पे एक भी रख सकते हैं, दो भी रख सकते हैं, तीन भी रख सकते हैं, चार भी रख सकते हैं, किसी भी संख्या को रख सकते हैं। और एम के जगह भी किसी को संख्या किसी भी संख्या को रख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता देते हैं, नौ का स्क्वायर मतलब नौ का पावर टू, तो ये हो गया घात यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको पावर। और जो नौ हो गया ये हो गया आधा। तो आप लोग समझ चुके होंगे। उसके बाद आप लोगों को बताते हैं, पहला रोमन रूल बताते हैं आप लोगों को कि ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन तो बराबर क्या होता है। तो ए पर पावर एम प्लस एन मतलब ये बेस समान हो गया, मतलब आधार और गुना आधार, मतलब आधार समान रहे और आधार के ऊपर जो घात रहे, आधार के ऊपर घात अगर भिन्न रहे मतलब अलग अलग रहे, तो इसको जोड़ देते हैं आपस में। तो क्या होगा एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको, जैसे आठ पर पावर टू गुना आठ पर पावर थ्री तो बराबर क्या होगा, आठ पर पावर टू प्लस थ्री तो बराबर हो जाएगा आठ तीन की तीन दो पाँच हो गया आठ पर पावर पाँच। तो मतलब आठ गुना मतलब आठ को पाँच गुना करना है, आठ गुना आठ गुना आठ गुना आठ चौसठ आठ क्या होता है, आठ चौसठ अठ तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा आठ पर पावर कितना होगा 32,768 हो जाएगा। तो अगला फिर समझते हैं जो नंबर टू है वो होगा एक पर पावर एम भागा ए पर पावर एन जो बराबर हो जाएगा ए पर पावर एम माइनस एन। एग्जाम्पल के लिए आपको बता देते हैं, एग्जाम्पल के लिए यहाँ करते हैं आठ पर पावर नाइन करते हैं भागा आठ पर पावर छः बराबर आठ पर पावर नाइन माइनस छः बराबर आठ पर पावर कितना होगा, नौ को छः जाएगा कितना होगा तीन होगा। तो आठ का क्यूब आप लोगों को पता है नहीं है तो आप लोग बता देते हैं आठ का क्यूब होता है आठ गुना आठ आठ को तीन बार गुना आठ चौसठ चौसठ आठ कितना होता है।